नटान सरगोंस्की, बहुत फेमस नाम। आज गूगल में नाम टाइप करना, नटान सरगोंस्की। अगर तुम अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस में सेट कर ले गए, कॉन्शियस में तो सबके रहता है, सबकॉन्शियस में, तो तुम फेल नहीं करोगे। और कोचिंग का यही काम है कि तुम्हारे गोल को तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट कर दे। कैसे? डेली पढ़ाएगी, और डेली तुम्हें बस प्रोसीजर फॉर, एक महीने का पेन है, इट्स अ पेन ऑफ वन मंथ, इट्स अ पेन ऑफ वन मंथ, एक महीने का पेन है यार। 21 दिन सिगरेट पी के अगर सिगरेट की आदत पड़ सकती है और वो जिंदगी भर नहीं छूट सकती, तो 21 दिन पढ़कर पड़की पे दो आदत पड़ सकती है। सिगरेट आदत ही तो बन गई, सिगरेट नहीं बुरी है, वो जो आदत बन गई है, आदत, वो आदत बुरी है। और कितनी स्ट्रांग आदत हो जाती है कि कुछ लोग जिंदगी भर मरते दम तक नहीं छोड़ पाते। तो अगर तुम सिगरेट की आदत डाल सकते हो, अगर लोग सिगरेट की आदत डाल सकते हैं, शराब की आदत डाल सकते हैं, तो पढ़ने की भी तो आदत डाली जा सकती है। नटान सरगोंस्की रशिया में था, स्टालिन की रिजाइम में, ज्यू था, यहूदी था, उसको बंद कर दिया उठाकर, बड़ा इंटेलेक्चुअल था ये, और आइसोलेटेड रूम में बंद कर दिया, 10x10। तो उसी रूम में उसने एक चेस बोर्ड बना लिया, उसी में वो खेलता रहता था, और खेलते खेलते वो सोचता था कि मैंने दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। 20 साल जेल में रहा, और 20 साल वो वर्ल्ड चैंपियन को हराता रहा। जब वो वर्ल्ड चैंपियन की, वर्ल्ड चैंपियन हार रहा है मुझसे 20 साल, 20 इयर्स। तो मिखाइल गोर्बाचोव जब प्रेसिडेंट हुए रशिया के, तो बिल क्लिंटन ने उनसे कहा कि साहब नटान सरगोंस्की बहुत सीधा साधा आदमी, उसको क्यों बंद कर रखो, छोड़ो यार, छोड़ दिया। बाहर निकला तो गोर्बाचोव ने कहा कि बताओ तुमको क्या चाहिए, जो कंपेंसेशन चाहिए हम तुम्हें दे दें। उसने कहा कंपेंसेशन वगैरह नहीं चाहिए, पैसा ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं, मैं जा रहा हूं रशिया छोड़। बोले अरे तुम्हारी कंट्री है, बोले मैं जा रहा हूं। उस वक्त का जो विश्व चैंपियन था गैरी कास्पारोव चेस का, तो बोले कहां जा रहे हो, बोले मैं इसराइल जा रहा हूं, इसराइल की पॉलिसी है कोई भी जीव आएगा उसको 10 मिनट में सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसराइल चला गया, बड़ा नाम होने लगा, बड़ी ख्याति होने लगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, मिनिस्टर बन गया। फिर जब वो मिनिस्टर था एजुकेशन, तो गैरी कास्पारोव इसराइल आया घूमने के लिए, घूमता रहा, स्कूल जाता रहा, कॉलेज जाता रहा, चेस खेला लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेला, बच्चों के साथ हार गया चेस खेल के, सिंबॉलिकली कि तुम लोग अच्छे खिलाड़ी हो प्रमोट करने के लिए। एक दिन गैरी कास्पारोव और नटान सरगोंस्की की रात में साथ में डिनर था, तो सरगोंस्की ने कहा उससे कि आप चेस खेलेंगे मेरे साथ? तो गैरी कास्पारोव ने कहा कि सीरियसली? हाँ, बोले बिल्कुल सीरियसली, और आप सीरियसली खेलेंगे, हारने के लिए नहीं खेलेंगे, एज अ चैंपियन खेलेंगे। अरे उसने कहा आप मजाक कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूं। कहा मैं 6th मूव में हरा दूंगा आपको, आप 6th मूव में हार जाएंगे हमसे। हाँ, उसने कहा ठीक है कोई बात, खेलते हैं। और नटान सरगोंस्की ने गैरी कास्पारोव को चेस में हरा दिया। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।